So the next topic of this unit is process failure mode and effect analysis, that is PFMEA, and that is the topic of the subject QTM quality toolkit for management, and the code of the subject is KMB OM03. So these are some key references and further readings of this topic. These are three books that are textbook. I think this one, Quality and Performance Excellence, is your textbook, and second is Six Sigma and Process Improvement, and third is the Operations Management, that is basic book of Hazard. Okay, and these are some of the blocks that you may access for this topic. Okay, so we are going to start this topic, Process Failure Mode and Effect Analysis. So first we will discuss about the introduction part. Okay, so what is Process Failure Mode and Effect Analysis? So isko agar hum dekhe, to also called as Potential Failure Mode and Effect Analysis, ya Failure Modes, Effect and Critically Analysis, FMECA, ye kuch iske aur nomenclature hain jo ki istemal kiye jate hain. So began in 1940 by the US military, Failure Modes and Effect Analysis is a step-by-step approach for identifying all possible failures in a design, a manufacturing or assembly process, or a product or service. ठीक है, तो basically क्या है कि एक step by step process है जो कि possible failure को identify करती है. आप लोगों ने PDPC chart पढ़ा था ना, PDPC chart में क्या था कि basically जब भी आप कुछ कह सकते हैं process apply करते हैं, तो process को क्या करते हैं, आप सब processes में divide करते हैं, उसको activities में divide करते हैं, एक्टिविटीज को सब एक्टिविटीज में, उनको इवेंट्स में, फर्दर मतलब कह सकते हैं जितना ज्यादा ब्रेकअप हो सकता है वो आप करके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, और उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड जो भी रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके काउंटर मेजर्स जो भी होते हैं वो आप अप्लाई करेंगे या उसके सामने लिख लेंगे, और फर्दर फिर जैसे ही उस तरीके की सिचुएशन ऑकर होगी तो उन काउंटर मेजर्स को आप अप्लाई करेंगे जिससे कि आप रिस्क को मिटिगेट कर सकें. तो दैट इज नोन एज अ प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस बेसिकली. ठीक है, तो जो भी पॉसिबल फेल्योर्स हो सकते हैं डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली प्रोसेस में, या किसी प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने या क्रिएट करने में. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये सारे जो भी पॉसिबल फेल्योर्स हैं वो सब हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कॉजेज आइडेंटिफाई करते हैं किस किस लेवल पर और क्या क्या इम्पैक्ट डालते हुए वो कॉजेज हो सकते हैं, और उनको किस तरीके से हम मिटिगेट करते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम स्ट्रेटजीज यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो इट इज अ कॉमन प्रोसेस एनालिसिस टूल. तो बेसिकली ये जो बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस है BPA, ठीक है, या तो इस पे आपका ये टूल इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस PFMEA. अब देखिए फेल्योर मोड क्या है, मीन्स द वेज और मोड्स इन विच द समथिंग माइट फेल. Failure are any error or defect, especially ones that affect the customer and can be potential or actual. ठीक है, तो failure mode क्या है कि वो कौन कौन से possible तरीके हैं या modes हैं, है ना, जिसके through failure occur कर सकता है. Failure क्या है, defect क्या है, basically failure are any error या defect है. अब डिफेक्ट क्या होता है, जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल, है ना, तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में जो गैप होता है दैट इज नोन एज अ डिफेक्ट बेसिकली, है ना. तो एक्सपेक्टेड किसकी एक्सपेक्टेशन पर हम काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर द कस्टमर कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना. तो कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है या जो आपने एक्सपेक्टेशन क्रिएट की है, ठीक है, उनको आप किस लेवल तक मीट कर पा रहे हैं. अगर आप कह सकते हैं एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम है, इसका क्या मतलब है कि द एरर और डिफेक्ट इज जीरो. ठीक है, तो स्पेशली वंस दैट अफेक्ट द कस्टमर, तो बेसिकली आप उन फेल्योर्स को कंसीडर करते हैं या उन डिफेक्ट्स को कंसीडर करते हैं जो कि कह सकते हैं जो कस्टमर सेलेक्ट करता है, ठीक है, एंड कैन बी पोटेंशियल और द एक्चुअल, तो दैट इज द फेल्योर मोड. ओके, नेक्स्ट इज द इफेक्ट एनालिसिस. तो इफेक्ट एनालिसिस रिफर्स टू द स्टडीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस फेल्योर्स. ठीक है, तो फेल्योर मोड क्या है कि वो कौन कौन से वेज हैं जिसकी वजह से फेल्योर ऑकर करता है, और इफेक्ट एनालिसिस क्या है, बेसिकली उन जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो फेल्योर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे आपका मार्केट शेयर लूज हो सकता है या मार्केट से आप आउट हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो सकता है, तो बहुत सारे रीजंस कह सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, उसके काउंटर मेजर्स हो सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो उनकी स्टडी करना इज नोन एज इफेक्ट एनालिसिस. जो फेल्योर है उस फेल्योर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उनकी स्टडी करना इज नोन एज द इफेक्ट एनालिसिस. तो इन दोनों को मिलाया गया तो ये टर्म बना आपका प्रोसेस फेल्योर मोड एंड
इफेक्ट एनालिसिस, और ये बेसिकली किसमें अप्लाई होगा, प्रोसेसेस में, ठीक है, जिसके थ्रू कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट की जा रही है, ठीक है। सो प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस में अगर हम आगे देखें तो प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस लुक्स एट ईच प्रोसेस स्टेप टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड पॉसिबल एरर फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, द सोर्सेज मोस्ट ऑफन कंसिडर्ड आर, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल कह सकते हैं जो फेल्योर क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वो किस किस वजहों से हो सकते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना और पॉसिबल एरर फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज, तो जो डिफरेंट सोर्सेज से कह सकते हैं एरर या डिफेक्ट ऑकर हो सकता है, तो उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। तो द सोर्सेज मोस्ट ऑफन कंसिडर्ड आर, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बनाने के रिगार्डिंग। तो देखिए मैन मीन्स कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स, है ना, जो उसको बना रहे हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर या जो भी टीम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर सर्विस को क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उस डिफेक्ट के ऑकर होने में, ठीक है। तो वो सोर्स में मैन आया, ठीक है। दूसरा है मेथड्स, किस तरीके से वो बनाया जा रहा है, ठीक है। आप देखिए प्रोसेसेस की फील्ड में बहुत ब्रेक थ्रू चेंज आया है, ठीक है। पहले जो कार असेंबल की जाती थी वो मैनुअली की जाती थी, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू असेंबली लाइन बनी है, फर्दर जो है रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा, अब रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है, ठीक है। और कुछ मिनट्स में या कह सकते हैं कुछ सेकंड्स में भी प्रोसेसेस हैं जो कि अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। मैकेनाइजेशन इस लेवल तक हो गया, तो व्हाट इज द मेथड, है ना, कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव कर रहे हैं, किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, मीन्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉसिबल एरर, ठीक है। तो मेथड की वजह से क्या वो एरर हो रही है, या थर्ड इज द मटेरियल, मटेरियल क्या हो सकता है, जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक अच्छा शेफ है ना, वो तब तक अपनी सिग्नेचर डिश नहीं बना सकता है या बेहतरीन डिश नहीं बना सकता है जब तक कि उसको रॉ मटेरियल अच्छा ना मिले, है ना। तो बेसिकली अगर कोई भी प्रोसेस है तो प्रोसेस का आउटकम जो आउटपुट है वो बेहतरीन तब होगा जब प्रोसेस भी अच्छी हो और इनपुट क्वालिटी भी बेहतर हो, है ना। तो मटेरियल इज आल्सो अ फैक्टर और अ सोर्स दैट विल लीड टू द पॉसिबल एरर, है ना, या पॉसिबल डिफेक्ट को ऑकर कर सकता है अगर मटेरियल की क्वालिटी को हमने सही टाइम पर चेक नहीं किया, इवेल्युएट नहीं किया, ठीक है। तो दैट मस्ट बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ दैट एरर और फेल्योर, ओके। नेक्स्ट इज मशीनरी, मशीनरी मैंने आपको बताया था रेंट पर या लीज पर लेते हैं जब भी हम कोई प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं, और धीरे धीरे एक एक करके हम मशीनरी को रिप्लेस करते जाते हैं जैसे जैसे हम सेटल होते जाते हैं, ठीक है। तो मशीनरी जनरली, अब आप देखिए तो उसमें प्रोडक्शन कितनी कैपेसिटी है आपके प्लांट की, ठीक है, मशीनरी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर सडन ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो उसके लोड को एक्सेप्ट करेंगे, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पॉसिबल कॉजेज हैं या जो एरर है या जो डेविएशन है वो ऑकर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो ये जितने भी सोर्सेज आपने इस्तेमाल किए हैं इन सबके टाइम टू टाइम आप परफॉर्मेंस मेजर करते रहें कि क्या कहीं पर ऐसा कोई सोर्स आपको देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट ना हो पा रही हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस या एक्चुअल डिलीवरी के बीच में कोई गैप रह रहा हो या कोई एरर आ रहा हो, तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज द मदर अर्थ, मींस एनवायरमेंट। आज के टाइम में आप देखिए जब से क्योटो प्रोटोकॉल इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के बाद कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन्होंने मिल करके एक ट्रीटी साइन की क्योटो प्रोटोकॉल, और उसके बाद से जो एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूटेंट हैं या हैजार्डस आइटम हैं या हैजार्डस एलिमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल ना करते हुए कह सकते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को डिलीवर करना या डेवलप करना, ये आजकल हर एक कंपनी के लिए जरूरी हो गया है, और इवन इसके लिए एक ISO 14000 स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। तो ये भी आपका कह सकते हैं पॉसिबल सोर्स ऑफ फेल्योर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल ग्रीन सप्लाई चेन, ग्रीन प्रोडक्शन इसको कंपनीज अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो अ पॉसिबल कंसिडरेशन व्हाइल कंसिडरिंग द सोर्स ऑफ दिस फेल्योर, ओके। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज दैट यू मे कंसीडर व्हाइल डिवाइसिंग दिस प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट इज
PFMEA is a methodical approach used for identifying risk on process changes. तो जब भी process change होती है, जो भी risk occur कर रहे हैं, risk क्या होते हैं, वो possible कह सकते हैं causes जिसकी वजह से defect हो रहा है, ठीक है, तो उनको check करने के लिए आप एक ये methodical approach है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि risk किस तरीके से occur हो रहे हैं, defect किस किस वजहों से हो सकता है, उनके क्या क्या काउंटर मेजर्स हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, वो सारा कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रिगार्डिंग आप स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं. सो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. द प्रोसेस FMEA इनिशियली आइडेंटिफाइज प्रोसेस फंक्शंस, फेलियर मोड, देयर इफेक्ट्स ऑन द प्रोसेस. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो क्या है, प्रोसेस फंक्शन को, जैसा अभी मैंने बताया था ना कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कि जो आपका बेसिक वर्क है वो क्या है, ना बेसिक प्रोसेस है वो क्या है, उस प्रोसेस की जो सब प्रोसेसेस हैं क्या है, एक्टिविटीज क्या है, सब एक्टिविटीज क्या है, इवेंट्स क्या है जो ऑफर हो रहे हैं, मीन्स उसको बाइफरकेट करते चले जाइए अल्टीमेट लेवल तक, जिससे कि जो भी प्रोसेस है ना, किसी भी लेवल पर कहीं पर भी कोई भी डिफेक्ट या फेल्योर का ऑकरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो फेल्योर मोड देयर इफेक्ट ऑन द प्रोसेस. इफ देयर आर डिजाइन इनपुट और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, द इफेक्ट ऑन एंड यूजर इज ऑल्सो इंक्लूडेड. है ना, अगर कहीं पर कोई डिजाइन इनपुट या स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आजकल देखिए आप क्या करते हैं, कस्टमर को भी इन्वॉल्व करते हैं जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को. जैसे अभी आजकल देखिए तो कार्स में फेसलिफ्ट मॉडल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, क्यों, कस्टमर उसको प्रेफर कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस उसे ज्यादा चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश सा लुक चाहिए. आजकल कह सकते हैं जो क्रोमियम उसका यूज ज्यादा होने लगा है ना, या प्लास्टिक और बाकी जो हाईटेक प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें हैं. तो इफ देयर इज एन डिजाइन इनपुट और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, द इफेक्ट ऑन द एंड यूजर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, उसका क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, आजकल आप देखिए ना, तो जैसे अभी इसने एस्प्रेसो लॉन्च की मारुति ने, ठीक है, तो पहले तो ऑल्टो से ही काम चल रहा था, लेकिन एस्प्रेसो क्या है, मिनी एसयूवी की कैटेगरी में है ना, है ऑल्टो का ही एक तरीके से अपलिफ्टमेंट, उसी को आप देखिए तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है, पहियों और जो बॉडी है उसके बीच में अच्छा खासा गैप है, ठीक है, और उसका जो लुक है वो थोड़ा सा क्लासी सा कर दिया गया, अलग अलग तरीके के डिजाइनर कलर है ना, उन डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कलर्स में आने लगे. इवन आप देखिए तो दो कलर का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करने लगी है कार, जैसे विटारा ब्रेजा है, ठीक है, तो उसमें दो कलर का इस्तेमाल होता है. इसी तरीके से जो क्विड है, क्विड का मॉडल है, उसमें देखिए तो इफ देयर आर द डिजाइन इनपुट्स, अगर कोई डिजाइन इनपुट है या कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, या द इफेक्ट ऑन द एंड यूजर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना, तो जो कस्टमर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी आप कंसिडर करते हैं. कोई कंप्यूटर आया मार्केट में, ठीक है, उसने कस्टमर के इनपुट को पहले कंसिडर करते हुए अगर वो कह सकते हैं जो पैरामीटर से उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो वो आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा आगे कंपिटेटिव एज ले जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली टाइम टू टाइम प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करते रहना जरूरी है. ठीक है, द सीवियरिटी रैंकिंग और द डेंजर ऑफ द इफेक्ट इज डिटरमाइंड फॉर ईच इफेक्ट ऑफ द फेल्योर. अब सीवियरिटी रैंकिंग क्या होती है, बेसिकली जो रिस्क फैक्टर है उनको रेट करना. ठीक है, जैसा मैंने बताया कि कुछ रिस्क है वो अगर ऑफर कर भी गए तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. जैसे अब हर एक फैक्टर कह सकते हैं कस्टमर नहीं कंसिडर करता है ना. ठीक है, कोई अगर मान लीजिए कार है, तो कार के लिए बेसिकली क्या देखेगा वो, कि माइलेज अच्छा होना चाहिए, है ना, सेफ्टी पॉइंट होना चाहिए. सेफ्टी आजकल देखने लगे हैं, क्यों, आज से अगर 10 साल पहले जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी, है ना, तो उस समय क्या देखते थे, कॉस्ट फैक्टर ज्यादा मैटर करता था, हैचबैक ज्यादा प्रेफर किया जाता था. ठीक है, अब सेफ्टी पॉइंट कंसिडर किया जाता है, तो द सीवियरिटी रैंकिंग ऑफ द और द डेंजर, है ना, तो बेसिकली जो आपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया है उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, उसका इम्पैक्ट किस लेवल पर पड़ सकता है. ठीक है, तो वो कह सकते हैं एक सीवियरिटी रैंकिंग भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड डेंजर ऑफ द इफेक्ट वो भी डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर ईच इफेक्ट ऑफ फेल्योर, हर एक फेल्योर के लिए, या हर एक कह सकते हैं रिस्क के लिए सीवियरिटी रैंकिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना. सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर आपके लिए क्या है, ठीक है, अटमोस्ट कह सकते हैं फैक्टर क्या है जो कस्टमर कंसीडर कर रहा हो, सबसे ज्यादा हाईली अगर कह सकते हैं वो क्या कंसीडर कर रहा है. जैसे सेलफोन में है, आप क्या प्रेफर करते हैं, आप लाइट वेट हो, स्लीक सा डिजाइन हो, है ना, और कह सकते हैं कि स्क्रीन साइज, अभी आप देखिए जो नए फोन लॉन्च हो रहे हैं ना, वो फोल्ड होकर के और स्क्रीन स्पेस जो कह सकते हैं ना, अभी 6 इंच चल रहा है. ठीक है, 6 इंच से पहले टैब चला करता था, टैब थोड़ा हैंडी कम हुआ करता था. आप देखिए अब नए डिजाइन क्या है कि वो फोल्ड होकर के
आप जो है नए नए डिजाइन देख पा रहे हैं, फोल्ड हो रहा है और जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं तो पूरा स्क्रीन साइज आपका जो है कह सकते हैं जो आपका 6x6 तक भी बन सकता है, 6 तो दैट डिपेंड्स है ना, तो द सीवियरिटी रैंकिंग, तो वो सब जो नए नए पैरामीटर्स हैं है ना, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर पर, ठीक है, उसकी क्या सीवियरिटी रैंकिंग है, वो सब आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर आप काउंटर मेजर स्ट्रेटजीज वगैरह अपनी प्रिपेयर करेंगे. देन द कॉज ऑफ दियर मैकेनिज्म एंड द फेल्योर मोड आर आइडेंटिफाइड, उनके क्या क्या कॉजेज हैं, उनके रिगार्डिंग कौन कौन से काउंटर मेजर स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, वो सब आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. तो दैट कम्स अंडर द स्टेप ऑफ प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट इज द एजम्पशन दैट द डिजाइन इज एडिक्वेट कीप्स द फोकस ऑन द प्रोसेस, ठीक है. तो बेसिकली यू नीड टू द एजम्पशन दैट द डिजाइन इज एडिक्वेट कीप्स द फोकस ऑन द प्रोसेस, है ना, जो आपने कह सकते हैं डिजाइन है वो एडिक्वेट है, ठीक है. अभी आप देखिए जैसे मैंने अभी रिसेंटली एग्जांपल दिया कार्स के केस में कि हम क्या देख रहे हैं कि डिजाइनें चेंज हो रही हैं ना, लोग का प्रेफरेंस अब देखा जा रहा है कि हैचबैक तो प्रेफर कर ही रहे हैं, हैचबैक के साथ एसयूवी लुक भी होना चाहिए, ठीक है. तो द एजम्पशन दैट द डिजाइन इज एडिक्वेट कीप्स द फोकस ऑन द प्रोसेस, अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉज ड्राइव्स एक्शन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कॉज ऑन द फेल्योर मोड, ठीक है. तो जो प्रोबेबिलिटी है कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉज की, जो कि किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं फेल्योर के ऑकर होने में अपनी इम्पैक्ट देता है, ठीक है, तो उसको भी मेजर करने के लिए आप उसको भी मेजर करते हैं और उसको भी कंसीडर करते हैं, ठीक है. द डिटेक्शन रैंकिंग डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट टू कंफर्म द फेल्योर मोड कॉज आर एलिमिनेटेड, ठीक है. डिटेक्शन रैंकिंग बेसिकली क्या होता है, डिटेक्ट किस तरीके से कर देंगे, अर्ली वार्निंग, जैसे टीपीएम होता है ना, टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस में आप क्या करते हैं जब कोई डिफेक्ट ऑकर होने वाला होता है, ठीक है, किसी मशीनरी के पैटर्न को नोट किया जाता है कि कितने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद मशीनरी में डिफेक्ट आएगा, है ना. तो डिटेक्शन रैंकिंग बेसिकली कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो कि हम डिवाइस करें कि एक पर्टिकुलर डिफेक्ट के ऑकर होने से पहले ही हमें पता चल जाए कि वो डिफेक्ट ऑकर हो सकता है, ठीक है. जैसे मैंने बताया कि आप कोई पुरानी मशीनरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बनाने के बाद हीटअप होकर के अगले 2 घंटे के लिए बंद हो जाती है, फिर जब 2 घंटे बाद वो जो है कूल होगी और उसके बाद से दोबारा आप जो है उसे ऑपरेट कर सकते हैं, फिर वो 100 यूनिट बनाएगी और उसके बाद फिर से बंद हो जाएगी, ठीक है. और आप देखते हैं कि अगर 80 यूनिट बनाने के बाद आप उसे 15 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके बाद फिर से आप दोबारा से ऑन करिए तो फिर से वो नेक्स्ट 80 यूनिट बना सकती है. तो बेसिकली क्या है, डिटेक्शन रैंकिंग है ना, तो बेसिकली जो जो पॉसिबल फेल्योर हैं जो ऑकर कर रहे हैं उनके कॉजेस, उनकी डिटेक्शन रैंकिंग रेटिंग वगैरह वो सब आप जो है डिटरमाइन करेंगे और उसके बेसिस पर आप जो अपनी काउंटर मेजर स्ट्रेटजीज हैं वो प्रिपेयर करेंगे. द PFMEA also tracks improvement through the risk priority number, ठीक है, risk priority number reductions, ठीक है. तो basically जो कह सकते हैं इसका improvement हम further जो हमने rating की है risk की, तो उसके हिसाब से हम consider करते जाएंगे कि जो risk priority number है उसमें reduction होता चला जाए, ठीक है. मैंने आपको बताया था इसमें Pareto analysis में क्या करते हैं आप, वो 80% कह सकते हैं वो 20% कॉजेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से 80% डिफेक्ट ऑकर हो रहे हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से इसमें भी आप क्या करेंगे, जैसे जैसे अगर आप PFMEA की इफेक्टिवनेस देखना चाहें कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जितना आपका रिस्क प्रायोरिटी नंबर कम होता जाएगा उतना इसमें कह सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी या जो आपका प्रोसेस है वो उतना ज्यादा फूल प्रूफ या उतना ज्यादा ऑप्टिमम या कह सकते हैं उतना ज्यादा परफेक्शन की तरफ मूव करेगा. ओके, By comparing the before and after RPN, a history of improvement and risk mitigation can be chronicled. Okay? तो basically क्या है कि जब आप इसको compare करेंगे कि पहले जब आपने PFMEA apply किया था तब क्या था RPN, है ना, means risk priority number क्या था और अब क्या हो गया है ना, तो इसके basis पर आप check करेंगे कि पहले क्या था अब क्या है और कितना risk mitigate हुआ है, ठीक है. तो इसको आप मैप कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस. ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ PFMEA, सो यू मे आस्क, डू यू हैव एनी क्वेरी और डाउट? नो सर. ओके, ठीक, थैंक यू.